अंबाला में रोडवेज को इन दिनों काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना के चलते लोग बसों में सफर करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अंबाला रोडवेज की कमाई जो कि पहले प्रतिदिन 12 से 13 लाख रुपए होती थी, वो अब लुढ़ककर 50,000 रुपए प्रतिदिन हो गई है। आज अंबाला छावनी बस स्टैंड के अड्डा इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला के बेड़े में कुल 185 बसें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 बसों को निर्धारित रूट पर चलाया जा रहा है, लेकिन उनमें भी यात्री नहीं मिल रहे हैं। बसों को कई कई घंटे यात्रियों का इंतजार करना पड़ रहा है और यही कारण है कि रोडवेज काफी घाटे में चल रही है। जी, बसें तो हमने लगा रखी हैं, 15-20 बसें लगा रखी हैं और बसें ऐसी हैं कि तकरीबन खाली ही चल रही हैं, सवारी है नहीं। किसी में 20 हैं, किसी में 30 है। अगर किसी में 30 सवारी हम भेजते हैं तो कम से कम भी हमारे को 1 घंटा गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है। गर्मी का टाइम है और जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है गर्मी में बैठे बैठे, और 30 सवारी के बगैर, लेकिन कम सवारी हम भेज देते हैं, वहाँ से खाली आती है गाड़ी। अगर ना भेजे तो हमें यात्रियों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बस स्टैंड पे यात्री इकट्ठे हो जाते हैं, इनको भी भेजने के लिए हमने बसों को यहाँ पर बुलाना पड़ता है और यात्री बहुत कम है, बिल्कुल घाटे में जी। रोडवेज बहुत ही घाटे में, पहले 12 लाख कम से कम डेली का अंबाला डिपो का कैश होता था, जो कि आज 50,000-60,000 और इसमें बिल्कुल ही घाटा है रोडवेज में। ये कोरोना की वजह से हो रहा है, लोग निकल नहीं रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, दिखते आती हैं, इसलिए लोग बाहर नहीं निकलने, और ये लॉकडाउन कई जगह अपना पंजाब बंद है, हिमाचल बंद है, दिल्ली बंद है, इस वजह से भी बहुत नुकसान है।